एक डॉक्टर अपना बदला लेने के लिए एक लड़के को किडनैप करके सर्जरी से उसको लड़के से लड़की बना देता है। लेकिन आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया था, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट नाम के एक प्लास्टिक सर्जन को स्पेन की एक लोकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए दिखाया जाता है, जहां पर रॉबर्ट बता रहा था कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं और उन 9 में से 3 फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज में उसने हिस्सा लिया है। लेक्चर के बाद घर जाते समय वो एक हॉस्पिटल के सामने रुकता है और एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर ब्लड का एक बैग लेता है। दरअसल रॉबर्ट अपने घर पर वेरा नाम की एक औरत पर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। रॉबर्ट ने वेरा को अपने घर के एक कमरे में बंद कर रखा था। वेरा हमेशा ही एक फुल बॉडी सूट पहने रखती थी। उसके पास उस बंद कमरे में करने को कुछ नहीं होता था, इसलिए वो खुद को बिजी रखने के लिए योगा करती, किताबें पढ़ती और अपने कपड़ों को फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाती। घर पर एक गूंगी औरत समय समय पर उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। इसके अलावा अगर वेरा को किसी और चीज की भी जरूरत पड़ती तो वो रूम में लगे वॉइस कम्युनिकेटर के जरिए रॉबर्ट की मॉम मेरिलिया से मांग लिया करती। वहीं जब रॉबर्ट घर वापस आता तो वो सबसे पहले अपने साथ लाए हुए ब्लड को अपनी लैब में एक मशीन में रख दिया करता था। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर हिडन कैमरा से पहले वेरा को देखता। जब उसे सब कुछ ठीक लगता तो वो वेरा के पास जाता, लेकिन एक दिन शाम को जब वो घर वापस आता है तो वो हैरान रह जाता है। दरअसल वेरा को पता था कि कैमरा कहां लगा है, इसलिए कैमरा से बचने के लिए वो दूसरी तरफ मुंह करके एक बुक के पन्नों से अपने शरीर को घायल कर लेती है। जब डॉक्टर उसके पास जाता है तो देखता है कि उसके पूरे शरीर पर कट के निशान थे। वो तुरंत वेरा को अपने प्राइवेट ऑपरेटिंग रूम में लेकर आता है और उसका इलाज करने लगता है। तभी वेरा रॉबर्ट से कहती है कि इस पिंजरे में रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते वक्त मन में सोचता है कि अगर वो सच में मरना चाहती तो उसके जख्म किसी और जगह पर होते। इसके बाद रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन बनाने का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू करता है जिसमें उसे जानवरों के खून की जरूरत थी, और सरप्राइजिंगली कुछ दिनों के बाद उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और अब रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन का इकलौता इन्वेंटर बन गया था। इस स्किन की खासियत ये थी कि इसे न तो कोई कीड़ा काट सकता था और न ही यह आग से जल सकती थी। यहाँ पर रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन को वेरा की नेचुरल स्किन से रिप्लेस करता हुआ उसे कहता है कि अब उसकी स्किन को कभी भी चोट नहीं लगेगी और न ही उसकी स्किन को मच्छर काटेंगे। लेकिन वेरा को इस स्किन से बहुत बुरा लगता है। थोड़े दिनों बाद रॉबर्ट इस आर्टिफिशियल स्किन को ऑफिशियली एक मेडिकल सिंपोजियम में प्रेजेंट करता हुआ झूठा दावा करता है कि वो जानवरों पर इस स्किन के एक्सपेरिमेंट को करने में सक्सेसफुल हो गया है, जबकि उसने ये एक्सपेरिमेंट वेरा पर किया था। वो बताता है कि इस स्किन को कभी भी मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती। रॉबर्ट अपने स्किन इन्वेंशन का नाम अपनी वाइफ के नाम पर सिंड्रेला रखता है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। उसका लेक्चर खत्म होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट उसे अलग ले जाकर पूछता है कि आखिर उसने इस आर्टिफिशियल स्किन को इतना हार्ड कैसे बनाया कि ये स्किन मलेरिया से भी सुरक्षित है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को वो स्किन नॉर्मल स्किन से कुछ अलग लग रही थी। यहाँ पर रॉबर्ट उसे झूठ नहीं बोल पाता। वो उसे बताता है कि उसने पिग सेल्स से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर ह्यूमन सेल्स में डाल दिया है। अब भले ही रॉबर्ट ने एक चमत्कारी खोज की थी, पर प्रेसिडेंट उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता और वो रॉबर्ट को उसके सारे रिसर्च बंद करने के लिए ऑर्डर देता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने फ्रेंड मार्क के पास जाकर उसको सब बता देता है। मार्क उसे कहता है कि अब उसे अपने पुराने सर्जरी के काम में लौट जाना चाहिए। यहाँ से रॉबर्ट जब घर पहुँचता है तो वेरा को थोड़ी देर स्क्रीन पर देखने के बाद उससे मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो और तुम्हारे शरीर को किसी और सुधार की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर वेरा उसे थैंक्स कहती है और मन ही मन सोचती है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। वो रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है ताकि रॉबर्ट उसे इस कैद से आजाद कर दे, पर रॉबर्ट अनकंफर्टेबल फील करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेरेलिया रॉबर्ट को वेरा के बारे में कहती है कि वेरा बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उसे मार देना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट मेरेलिया की बात को इग्नोर करता हुआ उससे कहता है कि घर के बाकी सारे नौकरों को काम से निकाल दो, क्योंकि अब उन्हें इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट और सारे नौकरों के वहाँ से जाने के बाद टाइगर का कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी आकर दरवाजे की घंटी बजाता है, जो कि मेरेलिया का बेटा जेका था। जेका अपना बर्थ मार्क कैमरे में दिखाकर अपनी पहचान देता है। तभी मेरेलिया बाहर आकर उसे घर के अंदर जाने से मना करती है, क्योंकि वहाँ विजिटर्स के लिए आना मना था, लेकिन जेका जबरदस्ती घर में घुस जाता है। मेरेलिया ये सोचकर उसे कुछ नहीं कहती कि वो जेका को किचन में बैठा लेगी। किचन में वो जेका को कुछ खाने को देती है। उसी टाइम टीवी पर एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की खबर दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर मेरेलिया समझ जाती है कि जेका यहाँ उससे मिलने नहीं बल्कि पुलिस से छुपने के लिए आया है, क्योंकि उसके कॉस्ट्यूम की वजह से पुलिस उसे कार्निवल की भीड़ में पकड़ नहीं पाई। तभी जेका मेरेलिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रॉबर्ट मेरे चेहरे की सर्जरी करके मेरा चेहरा बदल दे ताकि कोई भी मुझे पहचान न पाए, जिस पर मेरेलिया उसे कहती है कि रॉबर्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगा और जल्दी से उसे वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद जेका किचन में अल्कोहल ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ती है, जिसमें उसे वेरा योगा करती हुई दिखती है। वेरा का चेहरा देखकर वो उसे पहचान जाता है और सोचता है कि आखिर वो यहाँ कैसे है, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। यहाँ पर मेरेलिया किचन में छुपाई गई गन निकालकर जेका को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जेका उस पर कूद
कर उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे एक चेयर से बांधकर ऊपर वेरा के रूम में जाने लगता है। लेकिन वेरा के रूम का डोर लॉक देखकर वो वापस अपनी माँ के पास आता है और उसे धमकाता हुआ उससे चाबी ले लेता है। पर जैसे ही वो डोर खोलता है तभी वेरा अपनी सेल्फ डिफेंस में उसे किक मारती है। वेरा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर जैका उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो उस पर कंट्रोल पाकर उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और वहाँ वो वेरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच अचानक रॉबर्ट घर वापस आ जाता है। तभी वो सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ देख लेता है और गुस्से में अपनी गन निकालकर वेरा के रूम में जाकर जैका को शूट कर देता है। ये देखकर मेरिलिया सोचती है कि काश वो वेरा को भी मार डालता। इसके बाद रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहां से ले जाता है। तब मेरिलिया वेरा को रॉबर्ट और जैका के बारे में बताती है कि वो दोनों नाजायज भाई थे। वो वेरा से कहती है कि जैका उसे एक नौकर से हुआ था, लेकिन जब वो पेट में था तो वो नौकर उसे छोड़कर चला गया। वहीं रॉबर्ट उसे अपने पुराने मालिक से हुआ था। उसके मालिक ने उससे उस बच्चे को लेकर अपनी बांझ पत्नी को दे दिया और सबसे यही कहा कि उसकी पत्नी ने उस बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह कानूनी तौर पर वो दोनों ही उसके पेरेंट्स थे, पर मेरिलिया के दिल में रॉबर्ट के लिए ममता थी, इसलिए उसने उसका पालन पोषण अपने हाथ से किया। यहाँ पर वेरा मेरिलिया से पूछती है कि जैका को ऐसा क्यों लगा कि वो मुझे जानता है, तो मेरिलिया उसे बताती है कि वो रॉबर्ट की पत्नी सिंड्रेला जैसी दिखती है। यहाँ पर वो वेरा को ये भी बताती है कि जैका की परवरिश अपनी माँ से दूर सड़कों पर हुई थी, इसलिए वो बिगड़ गया और एक दिन वो अचानक पुलिस से बचने के लिए घर आया और अपनी माँ से मदद मांगने लगा। पर तभी सिंड्रेला ने उसे देख लिया और पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया। कुछ दिन बाद वो दोनों घर से भाग गए, पर बदकिस्मती से उनकी कार एक्सीडेंट होने की वजह से जैका तो बच गया लेकिन सिंड्रेला का चेहरा बुरी तरह से जल गया। तभी रॉबर्ट किसी तरह सिंड्रेला को गोद में उठाकर घर ले आया और उसने घर के सारे मिरर्स को छुपा दिया जिससे सिंड्रेला अपना जला हुआ चेहरा न देख सके। एक दिन सिंड्रेला अपनी बेटी को बाहर गाना गाते हुए सुनती है और उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे खिड़की के शीशे में अपना चेहरा दिख जाता है जो जलने की वजह से काफी डरावना हो चुका था। वो अपने इस डरावने चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं उसकी बेटी अपनी माँ की मौत की वजह से सदमे में चली गई। अब जब मेरिलिया वेरा को ये सब बता रही थी तभी रॉबर्ट जैका की बॉडी को दफनाकर वापस आ जाता है और वेरा की ऑफर को स्वीकार कर लेता है और उसे अपने साथ सुलाता है। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को एक सपना आता है जिसमें उसे वही दर्दनाक घटना दिखाई देती है जो 6 साल पहले हुई थी, जब उसने अपनी बेटी नॉर्मा के साथ एक शादी अटेंड की थी ताकि नॉर्मा सोशल लाइफ में नॉर्मल हो सके। उसकी बेटी को उसकी माँ की मौत से हुए सदमे से उभरने के लिए जो दवाइयाँ दी गई थी उनके असर से नॉर्मा एक टीनेजर लगने लगी थी। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। तभी रॉबर्ट देखता है कि नॉर्मा पार्टी में नहीं है, जिसे वो ढूंढने गार्डन में जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसे एक लड़का बड़ी तेजी से बाइक से जाता हुआ दिखता है। तभी वहीं रॉबर्ट को नॉर्मा के जूते और कोट नीचे पड़ा हुआ मिलता है। वो उन चीजों को ट्रैक करता हुआ उस जगह पहुँचता है जहाँ नॉर्मा बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े सही से नहीं पहने हुए थे। यहाँ पर रॉबर्ट को ये समझते देर नहीं लगी कि उस बाइक राइडर ने नॉर्मा के साथ क्या किया है। जैसे ही नॉर्मा को होश आता है वो अपने फादर रॉबर्ट को अटैकर समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वेरा भी सपने में उसी घटना को देखती है। वो देखती है कि विंसेंट नाम का एक यंग लड़का अपनी माँ के साथ एक ड्रेस शॉप में काम कर रहा है। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करता है। अचानक पार्टी में विंसेंट नॉर्मा को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे गार्डन में ले जाता है। नॉर्मा को गार्डन में काफी गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपना कोट और जूते उतार देती है। लेकिन विंसेंट को लगता है कि नॉर्मा उसे सिग्नल दे रही है, जिससे वो उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। शुरू में तो नॉर्मा को बुरा नहीं लगता, पर जैसे ही शादी के बैंड में एक खास गाना बजने लगता है तो वो जोर जोर से चीखने लगती है। दरअसल ये वही गाना था जिसे वो अपने बचपन में गाती थी और जिसके कारण उसकी माँ की मौत हो गई थी। विंसेंट उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है। तभी नॉर्मा उसके हाथ को जोर से काट लेती है जिससे विंसेंट उसे थप्पड़ मारने लगता है और जल्दी जल्दी उसके कपड़े ठीक करके वहाँ से भाग जाता है। वो इस बात से बेखबर था कि रॉबर्ट ने उसकी बाइक की लाइसेंस प्लेट को देख लिया है। कुछ दिनों के बाद जब विंसेंट अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा था तो रॉबर्ट एक कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी वैन से उसकी बाइक को हिट करके उसे गिरा देता है। इसके बाद रॉबर्ट उस पर एक बेहोशी का इंजेक्शन शूट कर देता है जिससे विंसेंट बेहोश हो जाता है। रॉबर्ट उसे अपने घर के पुराने गैराज में ले जाकर बांध देता है। जब विंसेंट उस पर चिल्लाने लगता है तो रॉबर्ट उस पर पानी के पाइप से पानी की बौछार कर देता है। शाम को रॉबर्ट विंसेंट को खाने में सिर्फ चावल और पानी देता है। वहीं विंसेंट की माँ पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे के बारे में पूछती है, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि विंसेंट की बाइक हमें पहाड़ की चोटी के पास मिली है, जिससे हमें लगता है कि विंसेंट या तो पहाड़ से गिरकर मर गया होगा या फिर वो शहर को छोड़कर चला गया होगा। वहीं रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाता है, पर वो अभी भी उससे डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉबर्ट ने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। अचानक एक दिन वो भी अपनी माँ की तरह अपनी जान ले लेती है और इस घटना से रॉबर्ट एक
नॉर्मल डॉक्टर से एक पागल सनकी साइंटिस्ट बन जाता है। नॉर्मा के फ्यूनरल के कुछ दिन बाद वो घर आकर विंसेंट के सारे बाल और दाढ़ी शेव कर देता है। इसके बाद उसे बेहोश करके उसको अपने ऑपरेटिंग रूम में ले जाकर मार्क और अपने दो साथी डॉक्टर्स की मदद से विंसेंट की जेंडर चेंज सर्जरी कर देता है। रॉबर्ट अपने साथी डॉक्टर्स को कन्विंस करने के लिए उनको नकली पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि पेशेंट क्लिनिक इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इस चीज को गुप्त रखना चाहता है, जिससे डॉक्टर उसकी बात पर बिलीव कर लेते हैं। कुछ घंटों बाद जब विंसेंट को होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में अकेला पाता है। तब से ही वो रॉबर्ट के घर में एक कैदी का जीवन बिताने लगता है। उसे अपने नए प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखना होता था जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट वाला एरिया हील हो जाता है उसके बाद रॉबर्ट उसके शरीर को और ज्यादा औरत का लुक देने के काम में जुट जाता है। वो उसे औरत जैसी चेस्ट और हाई पिच वाली वॉइस भी देता है और तब से विंसेंट फुल बॉडी सूट पहनने लगता है क्योंकि रॉबर्ट का ख्याल था कि इससे उसकी नई स्किन सुरक्षित रहेगी और उसकी नई बॉडी को शेप देने में हेल्प भी मिलेगी। अब उस रूम में पहले दिन विंसेंट रॉबर्ट को हिट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रॉबर्ट ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब विंसेंट दरवाजा खोलने लगता है तभी रॉबर्ट अपनी गन लेकर उसे धमकाकर वापस रूम में जाने के लिए कहता है। मजबूरन विंसेंट को वापस रूम में जाना पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद विंसेंट वुमन सर्जरी के लास्ट प्रोसीजर से गुजरता है जहां रॉबर्ट उसे अपनी मरी हुई वाइफ सिंड्रेला का चेहरा देता है। यहां पर रॉबर्ट विंसेंट का नया नाम वेरा रखता है। अब स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो वेरा रॉबर्ट के दिए हुए कपड़ों को फाड़ती और मेकअप को बर्बाद करके रॉबर्ट का विरोध करती है। वो सिर्फ एक आईलाइनर को अपने पास रखती है जिससे कि वो दीवार पर अपने साथ हुए इस इंसिडेंट को लिख सके। उस कमरे में उसके पास सिर्फ एक टीवी ही उसके मनोरंजन का इकलौता साधन था जिसके जरिए वो योगा सीखती और अपने कपड़ों को फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाती। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट अपनी माँ मेरिलिया को घर में बुलाता है ताकि वेरा की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत पूरी हो जाए। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ अब रॉबर्ट और वेरा काफी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन वेरा मेरिलिया के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलती हैं, तभी रॉबर्ट का दोस्त मार्क उससे मिलने आता है। मार्क उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें कई लोगों के साथ साथ विंसेंट के गुमशुदा होने की भी खबर छपी थी। अब क्योंकि मार्क ने ऑपरेशन के समय विंसेंट को देखा था इसलिए वो वेरा को पहचान जाता है और रॉबर्ट से कहता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। इस पर रॉबर्ट अपने ड्रॉवर से गन निकालकर उसे धमकाने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां वेरा के आ जाने से उनकी बातचीत रुक जाती है। वेरा मार्क से कहती है कि उसने ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी सहमति दी थी। ये सुनकर वो चला जाता है। शाम को वेरा और रॉबर्ट फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं, पर यहाँ पर वेरा को जैका के अटैक के कारण अब तक पेन हो रहा था। वो स्क्रीन को लाने के लिए बाहर जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लेने के लिए रॉबर्ट की गन भी छुपाकर अपने साथ ले आती है। इसके बाद वो रॉबर्ट से कहती है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुरंत उसे शूट कर देती है। नीचे मेरिलिया गोली की आवाज सुनकर अपने साथ अपना गन लेकर आती है, पर वेरा बेड के नीचे छुपकर उसके आने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो रूम के अंदर आती है तो वेरा उसे भी गोली मार देती है। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था और वेरा आजाद थी तो वो कुछ कपड़े और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो अपनी माँ की शॉप पर पहुँचती है और उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए उसे वो सारी बातें बताती है जो सिर्फ विंसेंट ही जानता था, जिसे सुनकर उसकी माँ हैरत में पड़ जाती है और यहाँ पर विंसेंट और उसकी माँ दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।